हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रख रहे हैं नए संसद की नींव, शिलान्यास करने पहुंचेंगे दोपहर करीबन 1 बजे। किस तरीके से शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक के श्रृंगेरी जो मठ है उससे जुड़े हुए साधु संत। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का आज आयोजन होगा, क्योंकि आप लोग जो है कल से यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज सुबह से लगातार पूजा अर्चना भी चल रही है। हम लोग आज सुबह 8 बजे यहाँ आ करके यहाँ स्थान की शुद्धि करके गणेश जी का पूजन करके जो भी विधि विधान से पूजन होती है वो सभी मंत्रों के द्वारा पूजा कराते हैं। अभी पूजा संपन्न हुई है और प्रधानमंत्री जी आएंगे अगले 1 घंटे बाद में। जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे उस वक्त सभी देवताओं को चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करके और प्रार्थना करके वो शिला को पूजन करके रखे हैं, वो शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथ से कराया जाएगा। जो शिलान्यास करेंगे, जो शिला है वो कौन सी शिला, क्या उसके लिए पहले से आप लोग पूजा अर्चना उसकी भी कर सकते हैं? पहले ही वो कहाँ से आई शिला, कुछ ऐसा भी जानकारी? नहीं, हमने उसको जो है चांदी का शिला बनवाया गया था, जो ईंट रखा जाता उसी अनुसार से एक चांदी का बनवा करके उसके ऊपर स्वस्तिक पहले से बना करके उसमें सब विधि विधान से पूजा करा चुके हैं। 5 देवताएं होते हैं उसके लिए, वो 5 देवताओं को भी आवाहन करके हमने विधि से पूजा करा के रखे हुए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री साहब आएंगे तो प्रार्थना करा के उनके हाथ से उस शिला को रखा जाएगा। तो किस तरीके की पूरी गतिविधि जब पीएम साहब आएंगे तो हमारे पास जो है 15 मिनट का समय। अच्छा, 15 मिनट तो खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर खुद रहेंगे, खुद उनके हाथ से ही कराया जाएगा पूरा। तो कुछ इस तरीके का आयोजन होगा। ये वो साधु संत हैं जो उस दौरान शिलान्यास करवाएंगे प्रधानमंत्री के हाथ में। करीबन 15 मिनट का कार्यक्रम होगा। चांदी की ईंट है, चांदी की शिला है जिसको स्थापित किया जाएगा और नींव रखी जाएगी नए संसद भवन की। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।